लखीमपुर कांड पर एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद पूरा का पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन अजय मिश्रा टेनी ने आज जो हरकत की है उसके बाद देश की जनता भी अब यही कह रही है कि टेनी को मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। वो मंत्री जो गाली देता है, वो मंत्री जो सवाल पूछने पर धमकी देता है, वो भला देश की सुरक्षा के लिए बने पद पर कैसे बैठ सकता है? आखिर टेनी के इस्तीफे के लिए किस बात का इंतजार हो रहा है? एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। भाषा ऐसी जिसमें मर्यादा कोसों पीछे छोड़ दी गई है। तौर तरीके ऐसे जिसमें शालीनता को तो मानो गड्ढा खोदकर ये दफन कराए, और पत्रकार को डराने का अंदाज ऐसा मानो देश के गृह राज्य मंत्री नहीं बल्कि इलाके का कोई बड़ा गुंडा बात कर रहा। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान ऐसे व्यक्ति को शपथ लेने के बाद मंत्री की कुर्सी पर बैठे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। सवाल पूछने पर बदतमीजी के इंतहा का परिचय देने वाले ये अजय मिश्रा टेनी हैं, जो सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि इनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा है। मंत्री महोदय बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि 14 दिसंबर यानी कल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में घटना को सोची समझी साजिश बताया है। इस रिपोर्ट पर लखीमपुर में मौजूद मंत्री अजय मिश्रा टेनी से सवाल हुआ था। 4 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में कैसे मंत्री जी का रूप बदल जाता है वो देखिए। टीवी स्क्रीन पर दो लोग मौजूद हैं। गुलाबी जैकेट में सवाल पूछ रहे एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन हैं और सामने अजय मिश्रा, जिनसे पहले ऑक्सीजन प्लांट पर सवाल होता है। तो 18 सेकंड तक मंत्री महोदय बिना आपा खोए और बिना आवाज ऊंची किए हुए पूरे संयम के साथ जवाब देते रहे। हमने पूरे देश में और अपने जिले में 10 से 12 गुना बढ़ा दी है और अब ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहना है? लेकिन जैसे ही एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर धाराएं बदलने को लेकर सवाल करते हैं, उनका तापमान अचानक बढ़ जाता है। मंत्री पहले पत्रकार का माइक पकड़ते हैं और उसके बाद उनकी अभद्रता का अमिट अध्याय शुरू हो जाता है। बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए माननीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी हाथ से फोन तक छीन लेते हैं। लेकिन इतना करने पर भी उनका जी नहीं भरता जब उनको यकीन हो जाता है कि फोन बंद हो चुका है और उनकी गुंडागर्दी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो गाली देना शुरू कर देते हैं। हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मंत्री जी का कोटा इतनी बदतमीजी के बाद पूरा हो गया हो, लेकिन नहीं, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को इतनी जल्दी कैसे छोड़ते। सीढ़ियों पर खड़े होकर पहले तो वो पत्रकार को घूरते हैं और फिर एबीपी न्यूज के पत्रकार से उल्टा सवाल करना शुरू कर देते हैं। और यह है पूरे वीडियो में मंत्री पद की गरिमा को खाक में मिलाने वाली वो आखिरी तस्वीर, जब अजय मिश्रा पत्रकार को मारने के लिए आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। मंत्री अजय मिश्रा के शुभचिंतक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और फिर वो गाली देते हुए वहां से कूच कर जाते हैं। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर
अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर फर्क है मंत्री जी, बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ हो क्या, तमीज नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए, और मोबाइल भी हमारे साथियों का और जी न्यूज़ कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया जो कि अभी तक उनके कब्जे में है, मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। एबीपी न्यूज ने मंत्री की अभद्रता वाले इस वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया तो पता चला कि मंत्री ने 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया, 4 बार मंत्री के मुंह से कैमरे पर गाली निकली, औसतन हर 29वें सेकंड पर 1 बार अपशब्द का इस्तेमाल किया, मीडिया के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, इतनी बदतमीजी की हदें पार कर चुके हैं, एक तो चोरी की, उस पे सीना जोरी हो रही है, रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मगर जमहूरियत में ना पत्रकार खामोश बैठेगी ना जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है। अब सवाल उठता है कि मंत्री अजय मिश्रा एक सवाल पूछने भर से इतने गर्म क्यों हो गए कि उनका ये रूप देश को दिखाई दे। उसका जवाब है एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद उनके इस्तीफे की जोर पकड़ती मांग। उनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में नैतिकता के आधार पर उनको स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये शब्द मंत्री जी के कान में शूल की तरह चुभ रहे हैं। जया बच्चन ने अजय मिश्रा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की नसीहत दी। उनको मॉरल ग्राउंड्स में अपने आप रेजिग्नेशन टेंडर करना चाहिए, सरकार उसको एक्सेप्ट करे ना करे वो सरकार के ऊपर है। लेकिन मंत्री जी को कुर्सी भी तो प्यारी है, ऐसे कैसे छोड़ दें? हालांकि पार्टी अभी भी मंत्री जी का बचाव कर रही है। इसमें अजय मिश्रा का तो कहीं नाम आया नहीं है, और ये जो उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि यहाँ देश को ये बताना बेहद जरूरी है कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पहली बार धमकी नहीं दी। अब ये उनका स्वभाव कह लीजिए या फिर फितरत, वो बार बार धमकी देने के लिए ही सुर्खियों में आए हैं। और उसी की मिसाल है किसानों को धमकी देने वाला वीडियो जो उनके गले की फांस बन गया। 10-11 महीने हो गए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ, जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी इस वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पता कर लेना कि मंत्री बनने से पहले मैं क्या था। एबीपी न्यूज ने पता करने की कोशिश की कि वो मंत्री बनने से पहले क्या थे, तो उनके ये आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए। 31 साल पहले साल 1990 में आईपीसी की धारा 323, 324 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 6 साल बाद 1996 में लखीमपुर के तिकुनिया थाने में हिस्ट्री शीटर घोषित किया, लेकिन हिस्ट्री शीटर वाली फाइल बंद हो गई। साल 2000 में 23 साल के प्रभात गुप्ता की हत्या को लेकर अजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। 21 साल से अजय मिश्रा हत्या के आरोपी हैं और साल 2021 के अक्टूबर महीने में उनका बेटा आशीष मिश्रा हत्या का आरोपी बना। 3 अक्टूबर को देश ये तस्वीरें देखकर दहल गया था। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की एक तेज रफ्तार थार रौंदती निकल जाती है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो मंत्री अजय मिश्रा की थी। हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी SIT ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा
लखीमपुर में किसानों की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और रिपोर्ट आने के बाद सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक टेनी को बर्खास्त करने की मांग गूंज रही। सुबह 11:30 बज रहे थे जब विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा में स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद सदन से बाहर निकलते तमाम पार्टियों के नेता सिर्फ टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको पद से हटाया जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अजय मिश्रा जी को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। सर आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? इस्तीफे के सवाल पर सरकार का रुख क्या है वो राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल से सुनिए। सर वो चाह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई। उनका कहना है कि जांच प्रभावित हो सकती है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। लेकिन ताजा खबर यह है कि अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी के सामने मंत्री जी को लखीमपुर मामले पर सफाई देनी होगी। अजय मिश्रा टेनी एक रिपोर्टर के ऊपर ही भड़क गए। टेनी के इस कांड पर उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने उनसे बात की। सुनिए आप भी जरा। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है पूर्व में कि अगर मेरे बेटे का दोष साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए, अपनी बात पर कायम रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर दोषी कोई भी है तो उसको दंड मिलना चाहिए। कारण है कि जैसे अगर किसी भी तरीके का चाहे जिसी जो भी है, मान लीजिए कि वहाँ किसान मरे हैं और उनको न्याय नहीं मिला, अगर SIT ने कह दिया कि नहीं ये दोषी है तो इसको जो हमारा लोकतंत्र है उसके तहत इनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस पद पर उनको रह करके किसी गलत काम करने के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसे सभी को करना चाहिए कि जैसे अजय मिश्रा के लड़के का मामला है तो ऐसा सभी के ऊपर लागू होता है। अगर मंत्रिमंडल में इनका फैसला होना चाहिए कि इनको सजा मिले, इनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नैतिकता और न्याय यही कहता है कि दोषी को दोष का जो है, गुनाह का जो है, सजा मिलना चाहिए और पार्टी से उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की राय भी आपने सुनी कि जांच जब तक नहीं होती है तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। भज्जी पंजाब चुनाव में उतर सकते हैं। क्या क्रिकेटर हरभजन सिंह नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या हरभजन सिंह की नई पारी पॉलिटिक्स की पिच पर होगी? ये सवाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक ट्वीट के बाद सुर्खियों में है। सिद्धू ने ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। जालंधर के रहने वाले हरभजन सिंह अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें नकोदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जहां से कांग्रेस के लिए पिछला चुनाव जगवीर सिंह बराड ने लड़ा था, जो अब अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। हरभजन सिंह बड़ा चेहरा है, युवाओं के रोल मॉडल है, इसलिए कांग्रेस उन पर दांव लगाना चाहती है। हरभजन ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट खेले हैं जिसमें 417 विकेट लिए हैं। वहीं 236 वनडे में उनके 269 विकेट हैं। इसके अलावा 28 T20 में वो 25 विकेट निकाल चुके हैं। हरभजन सिंह ने हाल ही में कहा था कि वो जल्द ही IPL से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में आएंगे या नहीं इस पर उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में दस्तक देने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ। पहले मुंबई में सुनाई देगा, फिर दिल्ली में, फिर किसी और शहर, फिर आपके शहर और आपके गांव। पिछले 2 साल में 2 बार ऐसा ही हुआ है। इस बार सतर्क नहीं रहे तो फिर कुछ वैसा ही हो सकता है, क्योंकि इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। कई शहरों में विदेश से आए कुछ लोग अपनी पहचान छिपा रहे हैं, वो प्रशासन से बचना चाह रहे हैं, अपनी मुसीबत आप पर अब मढ़ना चाह रहे हैं। जिसने लाशें गिराई, जिसने आंखें डबडबाई, जिसने सांसों को घोटा, इंसानी जिंदगी को किया छोटा, वो फिर से आ रहा। वो फिर डरा रहा है, वो सितम ढा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
वो विकराल है, कालों का काल है। हवा में फिर से जहर घुला, सांसों को फिर से तकलीफ का सिला मिला, मौत और मातम का तांडव फिर से निकल पड़ा है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. जी, वो बहरूपिया रूप बदलकर फिर से आया है, साथ में विश्व के माथे पर चिंता का सबब लाया है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट बहुत घातक है, पिछली बार भारत में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक। और WHO के डॉक्टरों ने जिसे दो हफ्ते पहले घातक करार दे दिया था, वो अब हिंदुस्तान में भी दस्तक दे चुका है। चुपके चुपके धीरे धीरे वो शहर दर शहर पहुंचने लगा है और लोग अब भी बिना मास्क के बेखबर नजर आ रहे हैं। और उस पर डराने वाली खबर यह कि तेजी से फैलने वाले ओमिक्रोन की जद में दुनिया भर के 77 देश आ चुके हैं। हिंदुस्तान में अब तक ओमिक्रोन के 53 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा 28 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 9, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3 मामले पकड़े जा चुके हैं। और महाराष्ट्र में मानो तो खलबली मची है। पिंपरी का हाल जरा देखिए। साउथ अफ्रीका का ओमिक्रॉन वेरिएंट महाराष्ट्र में दाखिल हुआ है। महाराष्ट्र में सब में ज्यादा पेशेंट पुणे डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। पुणे में एक है तो पिंपरी चिंचवड़ में 6 पेशेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए हैं। इसकी कारण ही पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा ऐलान किया है और लोगों को मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आह्वान जो है वो किया गया है। उसके बावजूद भी हम अभी पिंपरी कैंप में आए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कई लोगों ने ठीक से मास्क पहने नहीं है तो कई लोग तो एक तरफ ओमिक्रोन ने महाराष्ट्र के भीतर कदम रख दिए हैं, हर कोई इस बात से आशंकित है, तो दूसरी तरफ BMC ने स्कूल खोल दिए हैं। कितना ज्यादा विरोधाभासी है ये। साइन इलाके का ये गौरीदत्त स्कूल है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि आज से पहली से लेकर 7वीं तक यानी कि प्राथमिक कक्षाएं जो हैं वो बच्चों की शुरू कर दी जाए। दरअसल इस स्कूल को क्लासेस को जो है वो 1 दिसंबर से चालू किए जाना था, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है ओमिक्रॉन का वो बढ़ रहा था, उसके लिए इसकी मियाद जो है वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख कर दी गई है। अब देखिए कि यहाँ पर आज 15 तारीख है और बच्चे किस तरीके से यूनिफॉर्म में अपने स्कूल को लौटे हैं। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक है क्योंकि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद बच्चों ने पहला कदम अपने स्कूल में रखा है। अब देखिए कि किस तरीके से सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही वो स्कूल में एंटर होते हैं तो शिक्षक इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको सैनिटाइज किया जाए, हैंड वॉश किया जाए, उनका मास्क उन्होंने प्रॉपर पहना तरीके से पहना है कि नहीं वो किया जाए, उसके बाद ही इन बच्चों को जो है वो एंट्री दी जाती है स्कूल में। सर आप बताइए कि आप प्राध्यापक हैं यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं 2 साल के बाद जो है बच्चे आए हैं स्कूल में, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम बच्चे जो है स्कूल में आए, हमारा जो क्लास खाली था वो भरेगा। अभिभावकों और शिक्षकों का स्कूल खोलने पर मिला जुला रिस्पॉन्स है, मगर असल खतरा तो बच्चों को है जिनके लिए अब तक कोई टीका नहीं बना है। और खतरे की बात ये कि ओमिक्रोन को आप हल्के में भी नहीं ले सकते क्योंकि ये जान भी ले चुका है। और इसके सबसे ज्यादा 4,713 मामले UK यानी ब्रिटेन में है। इसके अलावा डेनमार्क में 3,437, नॉर्वे में 1,176, साउथ अफ्रीका में 900, अमेरिका में 192 और कनाडा में 178 केस हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12,010 केस पाए गए हैं। और अब तो हिंदुस्तान भी ओमिक्रॉन से अछूता नहीं है, वैक्सीनेशन के बावजूद भी खतरा बना हुआ है। We need to cover every adult of our nation with 2 doses of the vaccine. Those who have taken first dose, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट एनफ, काफी नहीं है एक डोज, हमें 2 डोज लेनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्टेप है कि हम इन वैक्सीन को हर व्यस्क तक पहुंचाएं और यही हमारी सबसे बड़ी शील्ड होगी
आज की जो पेंडेमिक की सिचुएशन है। डॉक्टरों का पूरा जोर वैक्सीनेशन पर है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी ओमिक्रोन को लेकर खतरा बरकरार रहेगा। और मुश्किल ये है कि कुछ लोग विदेश से आकर अपनी पहचान छुपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ लोग गायब हो गए हैं। और हर एक ऐसी चीज पे नजर रखी जा रही है जो बाहर से आने वाली है। बीच में एक इश्यू आया था कि जो लोग हैं, अगर उसमें से जो बाहर से लोग आए थे, हालांकि वो टेस्टेड हैं और उन लोगों के वैक्सीनेशन भी हुआ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अगर कहीं पे मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर को भी हम तलाश रहे हैं। मुरादाबाद के प्रशासन की त्योरियां चढ़ी हैं, बाकी लोगों की तलाशी हो रही है। लेकिन एक बात ये भी कि दहशत में मत आइए, बस सावधानी बरतिए। ओमिक्रोन से संक्रमित हुए मरीज भी ठीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक मरीज ठीक हो चुका है। जो राज्य में जो पहली ओमिक्रोन की पॉजिटिव केस पाई गई थी डोंबिवली शहर में, तो वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने से उनको डिस्चार्ज दिया गया है। यानी ओमिक्रोन से संक्रमित लोग ठीक भी हो रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है। इसलिए घबराना नहीं, बस सावधान रहना है। तो एक तरफ बढ़ता ओमिक्रोन का खतरा और दूसरी तरफ सामने से आता 5 राज्यों का चुनाव, उस पर भी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव। ओमिक्रोन से लड़ने की तैयारी का नहीं पता, मगर चुनाव की तैयारी खूब जोरों पर है। यूपी चुनाव में वादों और दावों के बीच बीजेपी अपने दांव चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सियासी माहौल में धार्मिक दर्शन, जी हां, सियासत की ओर इशारा करता है ये सब। 2 दिन पहले बीजेपी नेताओं का जो कुनबा काशी में जमा था, आज उसकी दिशा रामलला की नगरी अयोध्या की तरफ मोड़ दी गई। महादेव की नगरी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का लाभ लश्कर लेकर रामलला की नगरी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में हनुमान गढ़ी में दर्शन और सरयू आरती के बाद रामलला के दर्शन भी किए। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और करोड़ों देशवासियों के दिल में रामलला का भव्य मंदिर बने, ये सबकी आकांक्षा थी, वह पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष आके शिलान्यास किया है, काम उसका चल रहा है। ये पहला मौका है जब एक साथ इतने राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। इसे दर्शन का असर कहें या राजनीति का दर्शन शास्त्र, सारे मुख्यमंत्री राम धुन में रमे नजर आए। सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, देश आगे बढ़े। किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं, अयोध्या का विकास आपने देखा सर, इतना बता दें अयोध्या में विकास किस तरह का देखा, अयोध्या के विकास के बारे में बोलिए। काशी होके आए, अयोध्या होके आए, अद्भुत। जय श्री राम। मैं बजरंग बली तो सब कुछ दे दिया है और आगे भी दे देंगे। अयोध्या में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है इसीलिए यानी सही में जो नवभारत निर्माण की शुरुआत माननीय मोदी जी ने इस विकास करके की है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। जय श्री राम। गुजरात की हर और देश का सर नागरिक एकदम सुख शांति से आगे बढ़े। यूपी में जब सियासी बिसात बिछाने का खेल चल रहा है, उस समय बीजेपी भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करना चाह रही है और यही वजह है कि वो निशाने पर है। योगी जी की हर निश्चित है, उसे बचाने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। हमें लगता है कि सारा केंद्र का कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री उनका कैबिनेट, पूरी भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, जिस तरह से पिछले 4.5 साल में योगी जी का कामकाज रहा है, लोगों में गुस्सा है। बीते 2 दिनों में बीजेपी का कार्यक्रम देखें तो वाराणसी पूर्वांचल क्षेत्र में है, जबकि अयोध्या अवध रीजन में। और इसे सियासी समीकरण के चश्मे से देखेंगे तो पूर्वांचल में 130 सीटें हैं और अवध में विधानसभा की 118 सीटें हैं। और ये साधारण गणित है कि इन दो क्षेत्रों में इतनी सीटें हैं जो यूपी में बहुमत दिला सकती हैं। हालांकि बीजेपी को कर्म के साथ साथ धर्म के कार्ड पर भी भरोसा है। भारत की बात में अब बात देश के वीर सपूत की करते हैं, क्योंकि दुआएं नाकाम हो गईं, दवा बेअसर हो गई, सांसें लड़ी तो बहुत मगर शरीर ने ही शहादत चुन ली। बात ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की, जो हेलीकॉप्टर हादसे में बचने वाले इकलौते सैनिक थे, हादसे के इकलौते राजदार भी थे,
8 दिन के उपचार के बाद आज वो हमारे बीच नहीं रहे। सात दिनों तक सांसों के लिए चला संघर्ष, देश का एक वीर सपूत आज हार गया। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश के सातवें दिन ग्रुप कैप्टन वरुण दुनिया से विदा हो गए। पिछले हफ्ते बुधवार दोपहर देश को सबसे मनहूस खबर मिली जब पता चला कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। और ठीक सात दिन बाद आज फिर बुधवार को उसी हादसे में बचे इकलौते वरुण सिंह के निधन की खबर ने जख्मों को एक बार फिर कुरेद दिया है। भोपाल में ग्रुप कैप्टन के घर का माहौल गमगीन हो गया है। ये उनके पिताजी का घर है जहां पे कुछ दिनों पहले कैप्टन वरुण सिंह स्वयं आए थे। कर्नल केपी सिंह जो बेटे हैं उनके बड़े बेटे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सौर्य चक्र वो एयरफोर्स में है और उनके जो दूसरे बेटे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह वो नेवी में है। कभी मिलेगा आपका ऐसा परिवार जो थल सेना वायु सेना और जल सेना सेना के तीनों स्टाफ में, आप समझ सकते हैं कितना ऐसा परिवार है, इतना देशभक्त परिवार है कि जो पूरे देश को समर्पित है। तीनों सेनाओं में उसके तीन लोग हैं। आज हम बहुत शोक संतप्त हैं, स्तब्ध हैं। ना सिर्फ हमने एक अच्छा पड़ोसी एक मित्र खोया है बल्कि पूरा देश ने एक अपना जाबाज सिपाही खोया है, अपना महाभारत माँ ने अपना लाल खोया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। हेलीकॉप्टर में सवार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जख्मी हालत में बेंगलुरु में वायुसेना के कमांड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां आज उनका निधन हो गया। वायुसेना ने जानकारी देते हुए लिखा है, ये खबर देते हुए बेहद दुख हो रहा है कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब नहीं रहे। परिवार के प्रति संवेदनाएं, दुख की इस घड़ी में एयरफोर्स परिवार के साथ है। वरुण सिंह के निधन की खबर ने देश को एक बार फिर झकझोर दिया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने देश के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। वरुण सिंह की खबर से सबकी आंखें नम हो गई। हम सब लोग दुखी हैं कि जिनसे और बहुत सारी जानकारियां मिल सकती थी दुर्घटना के बारे में वो बच नहीं पाए, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम सब लोग मर्माहत हैं। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो फिर से स्वस्थ हो जाए पर हुआ नहीं। वरुण सिंह का शुमार वायुसेना के सबसे अनुभवी पायलट में किया जाता था। वरुण सिंह ने तेजस फाइटर जेट को अपनी काबिलियत के दम पर क्रैश होने से बचा लिया था जिसके लिए उन्हें 15 अगस्त को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। वरुण सिंह मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। वरुण सिंह का परिवार फिलहाल भोपाल में रहता है। वरुण सिंह के पिता भी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाले अभिनंदन दोनों बैचमेट रह चुके हैं। फाइटर पायलट वरुण सिंह ने आखिरी दम तक एक फाइटर की तरह संघर्ष किया। पूरा देश अपने इस वीर सपूत को सलाम करता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।